ये जो कब्रिस्तानों पे और गिरव्याड और शमशानों पे भू माफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, उसमें हमने बहुत शांतिपूर्वक मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब यहाँ उपलब्ध नहीं है, हमने वो ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया है। ज़्यादातर कब्रिस्तानों के ऊपर जो है भू माफिया लोग दांत गड़ाए हुए हैं और मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज बनाकर वहाँ कब्जे करते हैं। सारे मुस्लिम समुदाय ने आज इकट्ठा होकर इसका विरोध किया है और सरकार से अपील करी है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आगे ये अतिक्रमण जो हो रहे हैं उनको रोका जाए। इसके अलावा भी शहर के अंदर भी सड़कों के ऊपर कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, मैं उसके लिए भी सरकार से अनुरोध करूंगा जो अब सड़कें चौड़ी हो रही हैं जरूरत के मुताबिक, वहाँ भी कई मंदिर बने हुए हैं, कई मस्जिद बनी हुई है, जो अगर इस अपने स्मार्ट सिटी के कार्य के अंदर बाधा पैदा करती है तो उन्हें भी सारे समाज बंधुओं को बुलाकर उनसे मिलकर उन स्थानों को भी हटाकर जनता को इसमें राहत दिलाएं और सड़कें जो जनता के राहत के लिए बनी हैं उन्हें किया जाए। जोगिंदर सिंह दुआ समाज सेवी। कब्रिस्तान पे, शमशान पे, चर्चों पे जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, जो ये भू माफिया अवैध कब्जे करके उसको बड़ी बड़ी कीमतों पे बेच रहे हैं, इस चीज़ इस जगह को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, उसके कारण आज हम सब ने कलेक्टर साहब से मिलके उनसे ये निवेदन करना है जो ये अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको रोका जाए। मैं शाही आया कि आज सारे समाज के लोग अजमेर शरीफ में जो कब्रिस्तान मुसलमानों के, ईसाइयों के हैं और इसी तरह जो शमशान है उसमें नाजायज़ कब्ज़े दिन ब दिन आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए और नाजायज़ कब्ज़े हटाने के लिए हम लोग सब मिल करके गंगा जमुनी तहजीब को हमने निभाया और ज़िला प्रशासन के पास आए। इत्तेफाक से कलेक्टर साहब किसी ज़रूरत से आज यहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी जगह एडीएम सिटी साहब से हमारी बात हुई और उनको विज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में हम ये आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंचाई जाएगी और जहां तक हो सकेगा मुमकिन तरीके से हम जल्द से जल्द इसके निपटारे की और हल की कोशिश निकालेंगे। मोहम्मद बशीरुल कादरी, सदरुल मदरसिन दारुल मोइनिया उस्मानिया दरगाह शरीफ अजमेर। नहीं, ये तो प्रशासन देखे, एक हों तो उसका नाम लिया जाए, जहाँ जहाँ भी हमारी जो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग मिलकर कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए थे परंतु वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तो सिडी एडीएम साहब से हम मिले और अपने जो कब्रिस्तान और ग्रेवयार्ड और शमशान इन भूमियों के ऊपर जो ज़बरदस्त अतिक्रमण हो रहा है ना केवल अजमेर में लेकिन पूरे राजस्थान में, हम उसे रोकना चाहते हैं और उस ज्ञापन को लेकर के हम सब यहाँ पर मिल करके आए और शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना ज्ञापन कलेक्टर महोदय को पहुंचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं थे, तो एडीएम सिटी साहब से हम मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जितने भी भूमाफियों ने कब्जा कर रखे हैं उनसे रिलीज़ कराया जाएगा। उनके आश्वासन के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और सारे शमशान भूमि और कब्रिस्तान और शमशान कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड सब सारे भूमाफियों से और सारे अतिक्रमणों से मुक्त हो जाए। धन्यवाद। मेरा नाम पास्टर राजेंद्र डेविड है, मैं राजस्थान मसीह मंच का अध्यक्ष हूँ और माउंट कार्मेल चर्च का पास्टर भी हूँ।